जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। कनक रंगेस्ट्रो एंड हरंगेस्ट्रो, कुछ खास सिंबल और उनके व्यापक प्रभाव आपके जीवन में किस तरीके से आते हैं उसे हम समझेंगे। शुरुआत करेंगे अंगूठे पे बनने वाले इस खास प्रकार के सिंबल से। देखो, यहाँ पे कई दफे आप देखेंगे कि बिल्कुल बुद्धा आई के जैसी स्थिति होती है। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक चीजें आपस में मिली होती है, मध्य में एक अच्छा खासा गैप होता है। जब भी ऐसा होता है आपके जीवन के लिए काफी सुंदर होता है और आपके जीवन में काफी बेहतरीन चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे है, देख पा रहे हो आप कि रेखाएं बिल्कुल एकल रूप में यानी कि संयुक्त रूप में निकली है और आगे आके छोटे छोटे यवल रेखाओं के रूप में तब्दील हो गई है या छोटे छोटे गैप की जैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऊपर की रेखा आके नीचे एक दूसरे से मिल रही है और जंजीराकार स्थिति को बनाने का काम कर रही है। इसका क्या मतलब होता है? और जब भी ऐसी जंजीराकार स्थिति बनती है तो ये किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का काम करती है? तो देखो, ये व्यक्ति को काफी ज्यादा इमोशनल बनाती है। व्यक्ति अगर सीधे शब्दों में कहें बुरा न माने तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे बेवकूफ होते हैं। बेवकूफ किस तरीके से? क्योंकि इन्हें कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी जैसे चाहे अपनी बातों में कर ले, इन्हें मूर्ख बना दे, इनसे अपना काम निकलवा ले और इनके हिस्से कुछ ना आए, ऐसी स्थिति इनके साथ हमेशा चलती रहती है। व्यक्ति काफी प्रोफेशनल होता है, बंदा अपनी चीजों में अपना 100% देने की स्थिति रखता है, लेकिन दिल का कहीं ना कहीं काफी कमजोर होता है। बहुत जल्दी चीजों में उलझ जाता है, सवालों में उलझ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इसका व्यापक प्रभाव क्या होगा या बड़े स्तर पर इसे अलग अलग कसौटियों पर कसेंगे तो इसके नतीजे किस तरीके से हमारे जीवन में आएंगे। ये चीजों का शुरुआती रुझान देख के या शुरुआती अगर चीजें उसे लगी कि सही है तो उस चीजों की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन बाद में बड़े धोखे खाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी बिना अच्छी तरीके से सोचे जांचे परखे किसी भी काम में नहीं कूदना चाहिए, किसी भी काम में टांग नहीं हिलानी चाहिए, किसी भी काम को हाथ में नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसे लोगों के ऊपर काफी तीव्र गति से प्रभावी होती है। मान लो ये यहाँ पर तो एक दूसरे से मिली हुई है ना, ये मिली ही ना हो, यहाँ से बिल्कुल एकल चली गई हो या टूटी हुई हो, तो भी ऐसी ही स्थिति जातक के जीवन में आएगी। कई दफे आप खुद से अपने लिए बड़ी बड़ी मुसीबतों को यहाँ पर बुला लेने का काम करते हैं। इसके अलावा गर्दन के ऊपर के क्षेत्र में कई सारे विकार आपके जीवन में कई दफे तेजी से आते रहते हैं, हालांकि वो छोटे और स्थायी तौर पे होते हैं। सर दर्द मान लो, आंख से संबंधित समस्याएं मान लो, इसके अलावा कुछ हेयर लॉस वगैरह जैसी चीजें ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अंगूठे के इस ऊपरी क्षेत्र में देखो, यहाँ पे क्या होगा, कई सारे लोगों की हथेली में छोटी छोटी रेखाएं बनी होंगी। जब भी ऐसा होगा ना, हेडेक से परेशान रहते हैं ऐसे लोग, हमेशा कोई ना कोई समस्या इनके आसपास बनी ही रहती है। इन्हें हमेशा लगता है कि पता नहीं मेरे लिए समस्याएं कभी खत्म होंगी या नहीं होंगी। छोटी छोटी चीजें इन्हें बड़ा परेशान कर देती हैं। ये तो सामान्य सी बात हो गई। अब हम चलते हैं आपके जुपिटर के स्माउंड पे। यहाँ पे कुछ खास सिंबल है जिसके बारे में निश्चित तौर पर आपको जानना चाहिए। क्रॉस का साइन, जिसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस क्रॉस के साइन के साथ यहाँ पे कुछ खास है। जब इस चीजें बनेंगी आपस में तो इसका प्रभाव बिल्कुल बदलता चला जाता है। ठीक है, इसे ऐसे मान लो ना कि चावल तो चावल है लेकिन उसमें थोड़े मसाले डाल दो तो बिरयानी की जैसी शक्ल में आ जाती है, पुलाव वगैरह की शक्ल में आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक सामान्य क्रॉस का साइन है, लेकिन यहाँ पे जब कुछ और चीजें इसमें मिल रही हैं तो अभी क्या प्रभाव दिखाएंगे, ये दिलचस्प होता है जानना। निश्चित तौर पर जब चीजों को खोदना शुरू किया है ना तो बस तह तक पहुंच जाओ, नहीं तो फिर खोदने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ की जो चीजें हैं, बाहर से रेखाएं आड़ी तिरछी आ रही हैं लेकिन इस क्रॉस पे आके अटक गई हैं, ये बहुत अच्छा है। जब भी ऐसा होगा ना, यानी कि अटक जाएगी, इस लाइन को पार नहीं करेगी, तब व्यक्ति का ओझ, व्यक्ति का तेज, व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है, व्यक्ति का आकर्षण का जो भाग है वो बड़ा तीव्र गति से बढ़ेगा। व्यक्ति किसी को आकर्षित कर पाएगा, व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा अपनी चीजों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा पाएगा। व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें पूर्णता के साथ चीजों को आगे बढ़ा पाने की क्षमता रखेगा। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर तिल की स्थिति है, निश्चित तौर पर ये परिस्थितियों को थोड़ा सा मुश्किल करती है। यानी व्यक्ति किसी किसी की बातों में आकर किसी खास का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर इस कदर रहेगा कि वो कई दफे सही चीजों
को भी गलत ठहरा देगा। देखो, जीवन के कई हिस्से होते हैं। कुछ हिस्से में आप बहुत बेहतर होते हैं, कुछ हिस्से में आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ हिस्से में आप इतने वाहियात हो जाते हैं कि पूछो मत। लैंग्वेज में मत जाना, इन द सेंस जो आप खुद के अंदर जाओगे ना तो पता चलेगा कि ये चीज़ें किस प्रकार से आपके अंदर काम करती हैं। ठीक है, खुद से कभी भी झूठ मत बोलना। आप उस दिन डाउनफॉल आपका शुरू हो जाता है जिस दिन आप खुद से ईमानदार नहीं रहते। देखो, कुछ भी करो, अच्छा बुरा आप अपने समझ अनुसार, इच्छा अनुसार, प्रारब्ध अनुसार जो भी व्यक्ति करता है, लेकिन किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना है। जो भी करो उसे स्वीकार करो, उसे समझो, उसे अपने नजर में परफेक्ट बनाओ कि सही है, तब उस पर काम करो और उसे ईमानदारी से स्वीकार करो। जीवन कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं देगी। नदी को देखा है कभी उल्टे लौटते हुए? नहीं लौटती। उल्टे लौटती है कौन? तालाब का पानी, इधर से उधर, उधर से उधर, उतने ही देर में घूमती रहेगी। तो ईमानदार बनो। तो यहाँ की जो स्थिति है ना, ये व्यक्ति को कुछ पीछे की तरफ खींचेगी। ऊपर की स्थिति बार बार उसे आगे की तरफ बढ़ाएगी, लेकिन ये बार बार पीछे की तरफ कुछ खास क्षेत्र में खींचेगी। मान लो बंदा 40% आगे की तरफ बढ़ा, 15% फिर उसे नीचे की तरफ आना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ खास रेखाएं हैं जो कि आपकी हेडलाइन एंड लाइफलाइन, इन दोनों के साथ निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। जब भी ये चीजें आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ेगी ना, महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाती है। आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा करना आप शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ा सा मिलता है, आपके सपनों की दुनिया, सपनों का आसमान जो है ना, लिमिटलेस होती चली जाती है। आपको बहुत कुछ चाहिए, कर्म बहुत कम करना होता है, चीजें बहुत कुछ चाहिए। क्योंकि अब बात आ जाती है कर्म बहुत कम करना होता है, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे दिखाता है कि हम कर्म कम यहां पर कर रहे हैं? उसके लिए जब व्यापक आप पूर्ण हस्तरेखा विश्लेषण में जाते हैं तो चीजें निकल के आती है। आपके सन के माउंट की पोजिशन आपको स्पष्ट तौर पर बताती है, आपका सैटर्न बताता है कि बंदा कितनी मेहनत करेगा, आपकी जो उंगलियों का जो ये पोर है ना, ये शुरुआती ये दिखाती है कि व्यक्ति मेहनत के प्रति कितना आगे जाएगा, स्मार्ट वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, वर्क करेगा भी नहीं, इन सारी चीजों को दर्शाने का काम करता है। बुद्ध का ये क्षेत्र स्पष्ट तौर पे बताता है कि बुद्धि बल इन सब का सामंजस्य कैसा रहने वाला है और उसके अनुरूप व्यक्ति किस तरीके से आगे अपने आप को साबित कर पाएगा या अपना ये अपनी एक नई इमेज बना पाएगा या नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि सैटर्न किस माउंट को देख लो, यहाँ पर रेखाएं निकली हैं, एक ऊपर से रेखा निकली है और दोनों के बीच में इसने विभक्त कर दिया। यहाँ पर तो शुभ रेखाओं के रूप में परिणत हो गई है, लेकिन इस क्षेत्र में आके इसने जो शनि की मुख्य रेखाएं हैं उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं तोड़ने का, काटने का काम किया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी, ये व्यक्ति को आर्थिक तौर पर बीच बीच में एक झटके देने का काम करती है। हालांकि ये झटका उतना व्यापक नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से इसे बल मिल रहा है, लेकिन ये चीजें चलती रहेंगी साथ में। तो व्यक्ति को इस पर काफी ध्यान देके आगे बढ़ना पड़ता है। अब हृदय रेखा में देख लो, एक छोटा सा यहाँ पे क्या हो रखा है कि एक यव रेखा की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है। एक घाव है, एक घाव है और ये व्यक्ति के जीवन को, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, चीजों को जब देखोगे ना तो पता चलेगा एक दूसरे से लिंक करती है। अगर कहीं पे कोई खास कमी दिख रही है तो उसके अंदर जाओगे ना तो पता चलेगा अरे यार वो कमी तो बहुत समय से थी, बहुत जगहों पे वो चीजें दिख रही थी, हमने देखा नहीं कभी। ठीक है, ऐसे महसूस होगा। तो ये चीजें यहाँ पे बताती है कि किस प्रकार व्यक्ति जज्बातों के मामलों में हारा हुआ होता है, व्यक्ति उतना अंदर से स्ट्रांग नहीं होता है, अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर होता है मानसिक तौर पे, और निश्चित तौर पे अगर उसके आत्मा के भाव के रूप में देखें तो वहाँ भी चीजें उतनी स्ट्रांग उसके लिए नहीं होती हैं। तो चीजों में बहुत जल्दी व्यक्ति पीछे हट जाता है या चीजों के आगे सरेंडर कर देने की स्थिति उसके अंदर बनती चली जाती है, या चीजों को संभालने के, रिश्तों को परिपक्व करने के लिए, कि आगे बढ़ाने की क्षमता उसकी प्रभावित होना शुरू हो जाती है। इसके संबंध में लास्ट वीडियो में आपने काफी कुछ जाना होगा। इसके अलावा बुद्ध के इस क्षेत्र को जरा गौर से देखना। यहाँ पर देखो रेखाओं की स्थिति क्या है, बिल्कुल अस्पष्ट बन पड़ी है। खासकर विवाह संबंधित रेखाओं की जो स्थिति है, जो सहयोगी रेखाओं की स्थिति है, वो बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। जब आप लेफ्ट वार्म में जाते हैं तो वहाँ पे अगर मान लो आप कई सारी रेखाएं देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, जीवन में जैसे हमेशा एक ही चीज आप पसंद नहीं करते, आकर्षण कहीं भी हो सकता है। मान लो आपका अपना घर हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पड़ोसी में कोई अच्छा सा घर हो तो उसे आप अच्छा नहीं कहोगे। तो उसी तरीके से कुछ चीजें हैं
इसे बहुत ही स्वस्थ मानसिकता से हेल्दी वे में चीजों को लेना चाहिए और देखना चाहिए। तो जब भी ज्यादा खरपतवार यहाँ पर उगने लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इंगेज है या उसके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। एट्रैक्शन भी चीज होता है जो कि कई दफे चीजें आपके दिल में लग जाती है या बहुत चीजें बेहतर लगनी शुरू हो जाती है या काफी लंबे समय तक वो आपके साथ चलती है मानसिक तौर पर ही सही, तो वो चीजें रेखाओं के रूप में यहाँ पर स्पष्ट होने का काम करती है। अब कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि बलवती होती हैं, जो कि पुष्ट होती हैं, जो कि स्पष्ट होती हैं, जो कि अस्थायी होती हैं। बाकी रेखाएं अस्थायी होती हैं, एक खास समय तक अपना प्रभाव देगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। अब खत्म होना कैसा होता है, इसका यह मतलब नहीं है कि रेखाएं बिल्कुल यहाँ से मिट जाएंगी। अब मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, सूख गया, तो सूखने के बाद वो गायब थोड़ा ना हो जाता है, सूखने के बाद भी रहता है ना, उसकी रंगत बदल जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से इन रेखाओं की रंगत बदल जाती है, लेकिन कोई एक है जो कि मृत संजीवनी पी के यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसका क्या होगा, वो कभी नहीं खत्म होने वाली है, तो अस्पष्ट रहेगी। तो उसे देखने की एक स्थिति होती है, तरीका होता है। तो एक आम व्यक्ति के रूप में हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते, तो एक विशेषज्ञ के रूप में वो चीज़ें आप परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है स्पष्ट बताती है कि किस प्रकार से जातक के जीवन में जो जातक के बेटर हाफ होंगे उनका प्रभाव उनके विचारों पर, उनके दैनिक जीवनचर्या पर स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य की जो ऊपर की तरफ जाती रेखाएं हैं, जातक के अंदर कार्य क्षेत्र में होने वाले विकास को दर्शाने का काम करती है किसी भी व्यक्ति के। इसके संबंध में भी कुछ हमारी वीडियो है जिस पर काफी अंदर तक की डिटेलिंग इसमें आपको बताई गई है कि किस तरीके से काम करती है। अब देखो, अब आ जाओ हेडलाइन पे। हेडलाइन की जो यहाँ की सिचुएशन है ना, हेडलाइन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हेडलाइन या तो जितनी छोटी हो उतना अच्छा, ठीक है, और नहीं तो अगर बड़ी हो जावे ना तो ये मंगल के दूसरे छत्र की तरफ बढ़ती चली जावे तो अच्छा, नीचे की तरफ जाना अच्छा नहीं, ठीक है। और जितनी छोटी हो उतना अच्छा, क्योंकि जितना छोटा होगा ना काम ज्यादा होगा बातें कम होंगी, ये जितनी बड़ी होंगी ना कहानी बहुत ज्यादा होगी रियल चीजें बहुत कम होंगी। और यहाँ की जो स्थिति है निश्चित तौर पर थोड़ी सी विपरीत जा रही है। तो अगर आपकी हथेली में भी इस प्रकार से योग बन रहे हैं, रेखाओं का जंजाल बन रहा है, पूरा चेन बन रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप उलझ रहे हैं। अपने आप को खरपतवारों से मुक्त करें, बेकार के विचारों से मुक्त करें, बेकार के उलझनों से मुक्त करें, फालतू चीज़ों से खुद को बाहर निकालें और जो सही चीज़ है उस पर कंसंट्रेट करें और जीवन को एक सही रास्ता दें। कई रास्तों में भटक जाएंगे ना, अगर आप एक नदी हो और कई छोटे छोटे नाले के रूप में परिणत हो जाओगे तो अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। एक जगह रहो, संगठित रहो और समंदर से मिलके अपने आप को पूर्ण कर लो। तालाब के चक्कर में पड़ोगे ना, अपनी इज्जत भी जाएगी, तालाब की तो खैर बताइए कितनी है। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।